हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों का टॉपिक है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। देखिए, कंप्यूटर का डिज़ाइन जब शुरू में वैज्ञानिक लोगों ने बनाना चाहा, इंजीनियर्स लोगों ने बनाना चाहा, तो शुरुआत से ही ये इस पर डिस्कशन होता गया, प्रयास लोग करते चले गए कि कंप्यूटर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होता है किसी भी सिस्टम को बनाने का। तो आप ये मान के चलिए कि कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो होगा ही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा जिससे कि सारे यूनिट जुड़े जाएंगे, एक इनपुट डिवाइस होगा जिससे कि हम अपना डाटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकें, और एक आउटपुट डिवाइस होगा जहाँ पर हम अपना डाटा आउटपुट ले सकें, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। और एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम से चलने वाला डिवाइस था। कंप्यूटर को हम लोग प्रोग्राम से चलाते थे, और कंप्यूटर प्रोग्राम से चलाने का मतलब है कि उसको इंस्ट्रक्शंस देते थे, और उसमें ये कैपेबिलिटी होता है कि वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस से लेके या किसी और स्टोरेज डिवाइस से लेके, जिसको मेमोरी कहते हैं, वो उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है। तो कंप्यूटर को जब आपको डिफाइन करना होगा तो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्राम कंट्रोल्ड डिवाइस है। वो भी बिजली से चलता है, वो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, लेकिन उसमें और दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या अंतर है? वो प्रोग्राम के थ्रू उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसका कोई अपना बेसिक वर्क नहीं है। हम ह्यूमंस जैसा प्रोग्राम उसमें लोड करेंगे उसी तरह से वो कार्य करेगा। तो समझिए कि हम लोग उस दौर में हैं जहाँ पर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर का डिज़ाइन के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कंप्यूटर को प्रोग्राम देना है तो मतलब कमांड देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है। तो अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है तो हम लोग किधर से देंगे, किस माध्यम से देंगे? तो आपके पास दो माध्यम है, एक तो कि इनपुट डिवाइस के थ्रू डायरेक्ट कमांड देंगे, स्विच से दे सकते हैं, ठीक है, और एक हो गया कि उसको एक स्टोरेज डिवाइस लगा दें उसके साथ और उसमें स्टोर कर दें, और सीपीयू को इस तरह से डिज़ाइन कर दे वो मेमोरी से उसको रन करना शुरू कर दे, ठीक है। तो एक्चुअली में जो काम होता है कंप्यूटर में कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो मेमोरी में स्टोर्ड होता है। सीपीयू कभी भी प्रोग्राम को लोड नहीं करता है, ठीक है ना, वो एक्सटर्नली लोड होता है। यह मान के चलिए कि सीपीयू का काम है खाली मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, ठीक है। तो ये कंप्यूटर डिज़ाइन का डिज़ाइन की बात है, ये टॉपिक जो है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के डिज़ाइन की बात है कि डिजिटल कंप्यूटर का डिज़ाइन किस किस आर्किटेक्चर से स्टैंडर्ड बनाया गया। क्योंकि आज का जो समय है, जिस तरह के कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं, वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर इसका नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एक और भी आर्किटेक्चर है जिसका बोलते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर, तो उसका भी थोड़ा सा कंपैरिजन हम आप लोग को देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है वॉन न्यूमैन ने ही दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, इन्हीं का नाम है वॉन न्यूमैन, बिटवीन 1945 से लेके 1950 के बीच में। ये बदलाव का समय था, उसमें समझिए कि 1940 का जो दशक था उसके अगले वाले भाग में, जो 45 से 50 का समय था, उसी समय के दौरान वॉन न्यूमैन ने ये आर्किटेक्चर जो है प्रपोज किया। और वो कौन सा आर्किटेक्चर था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था उनका,
ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय वॉन न्यूमैन बिटवीन 1945 एंड 1950. इन दिस कॉन्सेप्ट यहां पर लिखेंगे प्रोग्राम कोड्स एंड डाटा कोड्स आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी. ठीक है ना, प्रोग्राम कोड जो है और डाटा कोड जो है वो सेम मेमोरी का इस्तेमाल करेगा. तो इसको समझने के लिए इसका कंपैरिजन भी करना पड़ेगा. एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी था जो कि जिसमें इस उसमें क्या होता था कि प्रोग्राम कोड और डाटा कोड के लिए अलग अलग मेमोरी होते थे. कोड का मतलब है, आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो बाइनरी कोडेड होता है. कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन आप दीजिए, या तो इंस्ट्रक्शन हो चाहे डाटा हो, तो वो बाइनरी कोडेड होगा, वो वन और जीरो में कोडिंग किया हुआ रहता है. तो इसीलिए जो बेसिक हम लोग देखें तो ये कोडिंग दो तरह का होता है कंप्यूटर में बेसिक फॉर्म में. एक आपका प्रोग्राम कोड होगा और दूसरा जो है डेटा कोड्स होगा. डेटा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, प्रोग्राम का मतलब हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स होंगे, और डेटा का मतलब हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो स्टाफ हैं उनका नाम, ठीक है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब डेटा हो गया. तो वो डेटा के लिए एक ही सेम मेमोरी इस्तेमाल करता है जिसको कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा गया. ठीक है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था क्या. तो अब इसका हम लोग को डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, तो आप लोग इसको लिखिएगा. लिखने के बाद हम यहाँ पर इसका डिज़ाइन बनाते हैं. आप लोग इसको पॉज करके लिख लेंगे और इसके बाद देखिए हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं. सबसे पहले यहाँ बनाते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है, और ये बताएंगे आप लोगों को अंतर इसमें कहाँ पे आएगा. देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये सेंटर पार्ट में ये आपका होता है सीपीयू, और इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और इसको सिंपली कहिएगा प्रोसेसर. ये तीनों एक ही वर्ड है, बोलचाल में यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या क्या था, तो इसमें आपका था यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ मान लीजिए कि ये है आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, और यहाँ पर हो गया मान लीजिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और यहाँ पर हो गए रजिस्टर्स, मान लीजिए 1 2, ये जनरल मॉडल है. तो कुछ रजिस्टर्स हम यहाँ पर बना रहे हैं 3 4 5, ये टेम्पोररी इसमें मेमोरी लोकेशंस होते हैं कुछ खास पर्पस के लिए. ठीक है, तो हम इसमें से मान लीजिए एक का नाम दे दिए PC, एक का नाम दे दिए AC, ठीक है, एक का नाम दे दिए MAR, एक का नाम है MDR, ठीक है, ये MDR होगा जो बुक आप लोग को प्रिस्क्राइब किए हैं, देखिएगा उसमें भी होगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है, आप लोग इसे पढ़िए. एक CIR होगा, इस नाम का ये कुछ जनरल रजिस्टर्स होंगे, इनको कहते हैं रजिस्टर्स. ठीक है ना, ये रजिस्टर्स क्या करते हैं कि मल्टीपल बिट, एक से ज़्यादा बिट को कोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं और उनको रजिस्टर्स बोलते हैं, और इन रजिस्टर्स का अपना अपना खास कुछ पर्पस होता है. तो ये आपका CPU हो गया, और फिर यहाँ पर इसमें क्या होगा, यही इसका मेन है, ये आपका मेमोरी होगा, मेमोरी इसके साथ बाई डायरेक्शनल होगा, यहाँ से इसको ऐसे भी दिखाएंगे और इसको इस तरह से भी दिखाएंगे, और मेमोरी में क्या होगा, प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम कोड एंड डाटा कोड, ये सेम मेमोरी में यूज होता है, क्योंकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो उसके लिए डिफरेंट मेमोरी यूज़ करता है. और यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप दिखाइए आउटपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस पर यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र होता है,
और यहाँ पर दिखा दीजिए इनपुट डिवाइस, ये हो गया इनपुट डिवाइस, यही है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे आधारित, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ये आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। इसमें इसमें जो है मेन पार्ट इसका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट है, ये हमारा हेड जो है उसके ब्रेन नर्व्स की तरह यही एक्चुअली में सारा प्रोसेसिंग का टास्क करता है। और ALU हो गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया, CPU में अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन या लॉजिकल ऑपरेशंस एंड ये एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, आगे पढ़िएगा कि ये सब क्या है। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर यूनिट होता है, और कुछ यहाँ पर स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जो ये भी स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन इनकी संख्या लिमिटेड होती, कम होती है कुछ खास पर्पज़ के लिए, ताकि CPU अपने रेफरेंस के लिए इनका इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि CPU को इस सारे यूनिट का संचालन करना होता है। ये सारे यूनिट का संचालन जो है, ये सारे यूनिट का संचालन जो है CPU के कंट्रोल में होता है, और CPU को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रोग्राम देते हैं, और हम लोग प्रोग्राम को कहाँ लोड करते हैं, मेमोरी में लोड करते हैं, डाटा को भी क्या करते हैं, इसमें लोड करते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपको आपके कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स का सारा डिटेल्स जो है हम इसमें मेमोरी में डाल देंगे, और मेमोरी में स्पेस तो काफ़ी होता है, उसमें प्रोग्राम भी डाल देंगे, और उस प्रोग्राम को बना सकते हैं कि भाई सब लड़कों का मार्क्स हमको सब्जेक्ट वाइज हमको वहाँ पर शो करे, कंप्यूटर पे हमारे आउटपुट डिवाइस पर शो करे। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक्चुअल चीज़ तो डेटा ही है, प्रोसेसिंग, जैसे नाम देखिए आप प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है डेटा, डेटा को ट्रांसफ़र करना है, डेटा को ऐड करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, या उससे डेटा को वीडियो बनाना है, या डेटा से ऑडियो बनाना है, ये सारा काम जो है कंप्यूटर में होता है। तो ये जो सिस्टम पूरा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहलाया, जो कि था यहाँ पर इसका मेन कंसेप्ट है कि ये प्रोग्राम कोड और डाटा कोड को इस्तेमाल करता है। उसके रेस्पेक्ट में आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं, ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है यहाँ बीच में यूज़ करता है CPU, ठीक है, यहाँ पर ये अलग डिवाइस होगा, यहाँ पे अलग डिवाइस होगा, यहाँ पे अलग डिवाइस होगा, यहाँ पे अलग डिवाइस होगा। सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट है, ये ठीक है, ये आपका CPU होगा, ठीक है ना, और यहाँ से अलग अलग बना सकते हैं आप लोग। ये आपका प्रोग्राम मेमोरी है, ये प्रोग्राम मेमोरी आप कह सकते हैं, और ये कौन सा है, आपका डाटा मेमोरी है, ठीक है, ये डाटा मेमोरी है। लेकिन जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो पढ़ते हैं, ये सब जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होगा। कुछ आज के डेट में हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दूसरे तरह के कंट्रोल सिस्टम में होता है, वो सिस्टम एम्बेडेड इंजीनियरिंग कहलाता है। तो एम्बेडेड इंजीनियरिंग का हम थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि ट्रैफिक लाइट आजकल कंट्रोल होता है, मोटर कंट्रोल होता है, ड्रोन व्रोन जो बनाते हैं आप, तो वहाँ पर जो प्रोसेसर यूज होता है ना, वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है, जो हार्डवेयर कंट्रोल में। तो उस तरह के जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक किट में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको एम्बेडेड इंजीनियरिंग कहते हैं, वो डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है। लेकिन आप लोग को यहाँ पर जनरल आर्किटेक्चर पढ़ना है, और वो आर्किटेक्चर आप लोग को पढ़ना है कौन सा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये इस दोनों में डिफरेंस है, इसमें याद रखेंगे कि ये जो है इट इज़ मोर इफ़िशियंट एंड पावरफुल आर्किटेक्चर, पावरफुल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग टॉपिक में आ चुके हैं, तो यहाँ पर सबका काम लिखेंगे। काम लिखने का मतलब यह हो गया कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस, आप लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अभी भी कंप्लीट किए हैं, सेमेस्टर 1 और 2 में सबको एक एक पेपर पढ़ना ही था। तो आप इनपुट डिवाइस डिफाइन करिएगा, आउटपुट डिवाइस डिफाइन करिएगा, उसी तरह से मेमोरी क्या है इसके बारे में बताएंगे, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, अभी के लिए इतना याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर्स का नाम हम बताएंगे, रजिस्टर्स जो है यहाँ पर कौन कौन है। PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम
काउंटर बताना है। ए सी का मतलब होता है एक स्पेशल रजिस्टर है जिसको एक्यूमुलेटर कहते हैं, तो ये एक्यूमुलेटर हो गया। एम ए आर जो है इनका फुल फॉर्म अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर बोलिएगा इसको। एम डी आर जो है इसको मेमोरी, इसको कहिएगा डाटा, और ये रजिस्टर हो गया। और सी आई आर जो है इसको कह सकते हैं करेंट इंस्ट्रक्शन, करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं, करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इसको अगर कोई अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करना होगा तो एलयू का इस्तेमाल करता है, और पूरे कंप्यूटर के संचालन के लिए कंट्रोल यूनिट किसका इस्तेमाल करता है? रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स क्या है? तो ये भी स्टोरेज यूनिट्स हैं, ये मल्टीपल बिट को स्टोर करते हैं, लेकिन इनका साइज़ अक्सर जो है स्टैंडर्ड होता है, या तो 8 बिट का होगा, 16 बिट का होगा, ये डिपेंड करता है कि आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन उसका कैसा है, तो देखना पड़ता है। लेकिन ये 8 के ही मल्टीपल में होगा, या तो 8 बिट का होगा या तो 16 बिट का होगा, कभी कभी 8 बिट और 16 बिट दोनों साइज़ का इसमें रजिस्टर्स होता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये कंप्यूटर के डिज़ाइन की बात है, जिसमें कि दो तरह का आर्किटेक्चर यूज होता है, एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है और एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। और ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम और डेटा कोड जो बाइनरी में कोडेड होते हैं वो दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर करते हैं, और कंप्यूटर का वहाँ से संचालन किया जाता है। तो यही था आप लोगों का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसको जब पढ़िएगा, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, बुक्स में भी मिलेगा और कुछ इंटरनेट पर भी हेल्पिंग मटेरियल मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा। ये फंडामेंटल चीज़ है, अब हमको यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है। अगले क्लास में और आएंगे, थोड़ा सा डिजिटल कंप्यूटर का फंडामेंटल वहाँ पर बताएंगे, तो वहाँ पर पढ़िएगा फिर से। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ गुड डे।